देवियों और सज्जनों, अभी गुरिंदर शर्मा जी गिनकर बता रहे थे कि इनके इलाके में विकास के जो जो काम हमारी सरकार आने के बाद करवाए गए। बंधुओं, केवल आपका इलाका ही नहीं, अंबाला छावनी का एक भी इलाका ऐसा नहीं है जहां विकास ना हुआ हो। हमारा इलाका तो प्यासा रह गया था। हमारी पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी अंबाला छावनी की तरफ ध्यान नहीं दिया। किसी ने पैसा रोहतक लगा दिया, किसी ने हिसार लगा दिया, किसी ने सिरसा लगा दिया। ये पहली बार है कि सबसे ज्यादा पैसा अंबाला छावनी में लगा दिया। पहली बार आपने देखा, लोगों की जो सबसे पहली आवश्यकता है वो है स्वास्थ्य की। आपने देखा मैंने कितना बड़ा अस्पताल बना के दिया। छोटा सा अस्पताल होता था, बत्ती भी बुझी रहती थी, टूटी हुई कुर्सी के ऊपर SMO बैठता था, कभी कभार जाने का मौका मिलता था, हालत देखकर तरस आता। मैंने आज ऐसा अस्पताल बना दिया, रोजाना कम से कम 3000 लोग अपना इलाज करवाने आते हैं। 3000 लोग, जिसमें एक्सरे नहीं होता था, उसमें आज MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे किया जा रहा है, दिल का भी इलाज किया जा रहा है। 14000 लोगों को हम स्टंट डाल चुके हैं इस अस्पताल में, यानी 14000 जिंदगी हम बचा चुके हैं। नहीं तो वो तो चंडीगढ़ तक पहुंचता नहीं था, डेरा बस्ती में काम हो जाता था। दिल की बीमारी का कहते हैं गोल्डन आवर, पहला घंटा, पहले घंटे में बचा लो, नहीं तो परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकता। हमने 14000 जिंदगी बचाई अंबाला छावनी के आपके अस्पताल में। मैंने डायलिसिस सेंटर भी यहीं बना कर दिया। लोगों को चंडीगढ़ जाना पड़ता था, उतना डायलिसिस का खर्चा, उतना ही टैक्सी का खर्चा। मरीज को लेके जाते थे, सारा दिन गाड़ी खड़ी रहती थी, फिर उसी गाड़ी में आते थे।